दोस्तों आज हम बनाएंगे एग ग्रेवी जिसे बैचलर्स भी इजीली बना सकते हैं। ये डिटेल इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला, राई, हिंग, जीरा, धनिया के पत्ते और ये मैगी का मैजिक मसाला, आलू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, तेल, नमक और अंडे। सबसे पहले बनाएं इन तीनों का पेस्ट। गर्म पानी में उबालें अंडे और आलू। अब ये उबल गए हैं, अब इसमें ऐसे चीरा लगाएं, इससे फ्राई करते वक्त ये फटेंगे नहीं। अब इसमें डालें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके गर्मा गर्म तेल में इसे करें फ्राई। अब हमने आलू और अंडे सब फ्राई कर लिए। अब सेम ऑयल जिसपे आपने फ्राई किया उसे लें, उसमें डालें सारे खड़े मसाले और हल्दी और लाल मिर्च डाल के ऐसे भूने, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालें पीसा हुआ प्याज, इसे भून लें। इसमें डालें नमक, अच्छा आता है। अब इसमें डालें पीसा हुआ प्याज, इसे भून लें। इसमें डालें नमक, अब इसे अच्छे से भून लें। इसमें डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर डालें इसमें टमाटर, इसे भी भून लें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें डालें सारे सूखे मसाले, अब इसे भी अच्छे से भून लें 2 से 3 मिनट के लिए। अब लगाएं इसमें पानी अपने हिसाब से, गाढ़ी या पतली आप जैसी ग्रेवी चाहें। अब जो आलू हमने फ्राई किया उसमें से 4 आलू लेके उसे ऐसे पीस के डालें, इससे ग्रेवी काफी गाढ़ी होती है। अब डालें अपने अंडे और आलू, अब इसे ढककर कम से कम 15 मिनट पकाएं। अच्छा, अब ये है बैचलर्स के लिए स्पेशली, तो आप इसके बाद जब ये पक जाए तो इसमें डालें ये मैगी का मैजिक मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अब 2 मिनट के लिए और पकाएं। अब हमारा ग्रेवी रेडी है, इसे सर्व करें और इसे गार्निश करने के लिए ऊपर सजाने धनिया का पत्ता। अब ये रेडी है।